उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में आज हिंदू महासभा का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष ऋषि कुमार त्रिवेदी मौजूद रहे। कार्यक्रम में वरिष्ठ समाज सेवियों एवं पत्रकारों को सम्मानित कर उनका मान बढ़ाया गया। आज अनादिकाल से चली यही परंपरा सम्मान से भेंट करते हुए हमारे निवेदन करता हूँ कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष आज के कार्यक्रम के मौके पर माननीय ऋषि कुमार त्रिवेदी जी का माला पढ़कर स्वागत करने का कष्ट करें। लखनऊ से जो पढ़ा रहे हैं उनका जिला दर्जी सम्मान, राजकुमार सिंह जी, कुमार सिंह जी संगठन मंत्री। हमारे मध्य कोरी जी का तो ये क्या 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 है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, किस क्या उद्देश्य है इसका करवाने का, आज जो करवा रहे हैं आज यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन और संघों का सम्मान एवं वरिष्ठ पत्रकार एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों का सम्मान हुआ है। ये अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को प्रोत्साहित करना, कैसे अपने देश को, कैसे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएं, उसके लिए हिंदुओं को जागृत करना है। क्या लगता है ये आपने जो मुहिम छेड़ी है हिंदू महाराष्ट्र बनाने के लिए, क्या ये जो सरकार है इस समय जो है वर्तमान, क्या हिंदू महाराष्ट्र अलग तरीके से बनाएगी? बिल्कुल, हम लोगों ने मांग की है और 13 अप्रैल को हिंदू महासभा का स्थापना दिवस है। उस दिन जंतर मंतर पर लगभग 10 करोड़ हस्ताक्षर करवा करके योगी जी को देने का, मोदी जी को देने का लक्ष्य है लोगों का। और हम लोग जंतर मंतर पर जा करके जो भी हमारा एक साल से विगत चल रहा है हिंदू राष्ट्र हस्ताक्षर अभियान, वो 13 अप्रैल को जो है हिंदू महासभा के स्थापना दिवस पर उनको भेंट किया जाएगा। किन किन जिलों में आपका ये कार्यक्रम चल रहा है? ये पूरे देश में चल रहा है, क्योंकि अखिल भारत हिंदू महासभा आज के दिन 1915 की पार्टी है, ये राजनीतिक दल है, और ये पूरे देश में हमारा हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप लोग? मैं सभी हिंदू जनमानस से, सनातन प्रेमियों से यही एक संदेश देना चाहूँगा कि उठिए और जागिए, कैसे हम अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाएं, उसके लिए खड़े होइए, क्योंकि अब समय आ गया है। अब नहीं खड़े हुए तो फिर आगे समय नहीं आएगा। इस समय भाजपा की सरकार चल रही है, हिंदुत्व की लहर है, आप लोग आइए और साथ में खड़े होइए और हिंदू राष्ट्र का संघर्ष करिए। जय हिंदू राष्ट्र।